डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तभी जी। रविवार को सुबह से देर रात्रि तक अजमेर के अलग अलग इलाकों में निकले 7 सांपों को सर्प मित्र विजय यादव ने अपने साथी प्रीतम के साथ पहुंचकर सुरक्षित रेस्क्यू कर संरक्षित किया। बी ब्लॉक पंचशील निवासी शरद चंद्र स्वाइन के घर के पोर्च में गमले के पीछे छुपे स्पेक्टिकल कोबरा को रेस्क्यू किया। वहीं रुद्राक्ष अपार्टमेंट ज्ञान विहार कॉलोनी निवासी राकेश बरमेचा के बाहर पड़ी ईंटों में छुपे ब्लैक कोबरा को रेस्क्यू किया गया। इसी तरह रामगंज थाने के सामने चंद्रनगर गली नंबर 6 स्थित गोविंद गिदवानी के मकान के टॉयलेट में छुपे स्पेक्टिकल कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। न्यू अंबाबाड़ी कॉलोनी तोपदड़ा स्थित इंद्रजीत सिंह सिसोदिया के घर के पोर्च में रखी वॉशिंग मशीन के नीचे छुपे स्पेक्टिकल कोबरा सांप को रेस्क्यू किया गया। इसी प्रकार आज सुबह प्रगति नगर कोटड़ा स्थित आनंद प्रकाश वर्मा के घर के गार्डन में छुपे स्पेक्टिकल कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। दोपहर में पत्रकार कॉलोनी निवासी जीवन राम गुर्जर के घर में पानी की मोटर के पीछे छुपे रैट स्नेक को रेस्क्यू किया। न्यू केसरी कॉलोनी निवासी ज्ञानेंद्र शर्मा के बेडरूम के पलंग के नीचे छुपे रैट स्नेक को रेस्क्यू किया। रविवार और सोमवार को कुल 8 सांपों को रेस्क्यू किया, जिनमें 5 बेहद जहरीले कोबरा प्रजाति के और 2 रैट स्नेक और 1 ट्रिनकेट स्नेक सांप थे। यादव ने सभी सांपों को वन विभाग के ACF लोकेश शर्मा के निर्देशानुसार सुरक्षित घुघरा वन क्षेत्र में छोड़ दिया। करीब 9:15 बजे से लेकर के और 10:45 के बीच में 1.5 घंटे के अंतराल में 4 रेस्क्यू मेरे पास आए, जिसमें 9:15 बजे मेरे पास पंचशील से कॉल आया कि एक हमारे घर में सांप घुस गया है, जिसको मैंने जाकर के रेस्क्यू किया, जो कि एक स्पेक्टिकल कोबरा था। इसके बाद राकेश बरमेचा जी का मेरे पास कॉल आया, जो कि ज्ञान विहार कॉलोनी में रहते हैं, उनका मैंने रेस्क्यू किया। एक कोबरा सांप था, ब्लैक कोबरा, जो कि ईंटों के अंदर घुस गया था, जिसे मैंने रेस्क्यू किया। इसके बाद मेरे पास एक कॉल आया रामगंज से कि हमारे घर के टॉयलेट में एक सांप घुस गया है, तो मैंने जाकर के देखा कि वो भी एक स्पेक्टिकल कोबरा था, जिसे मैंने रेस्क्यू किया। उसके बाद एक कॉल और आया न्यू अम्बाबाड़ी कॉलोनी से कि भाई हमारे घर के पोर्च में एक सांप आ गया है, तो मैंने वहाँ जाकर के देखा तो एक वॉशिंग मशीन के पीछे एक कोबरा सांप बैठा हुआ है, जिसे मैंने रेस्क्यू किया। इस तरह से लगातार 1.5 घंटे के अंतराल में जल्दी जल्दी 4 रेस्क्यू आए और चारों ही कोबरा थे, जिनमें 3 स्पेक्टिकल कोबरा और 1 ब्लैक कोबरा था। इस तरह से 4 रेस्क्यू जो कि कोबरा के थे वो लगातार मेरे पास आए। इसी तरह सुबह आज पुनः मेरे पास में एक ब्लाइंड स्कूल के पीछे आदर्श नगर से एक कॉल आया कि हमारे घर में एक सांप आ गया है, तो मैंने जाकर के देखा तो एक ट्रिनकेट स्नेक जो कि चूहे को खा रखा था, जिसने वो वहाँ पे मौजूद था, तो मैंने उसे जाकर के जब चेक किया देखा तो उसके वो घायल हो रखा था, क्योंकि किसी ने उसे पत्थर से घायल कर दिया था, तो मैंने उसे फर्स्ट एड दिया और उसके बाद में मैंने उसे बैग में लेकर के अब वन विभाग को सुपुर्द कर दिया है।